हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। आज के लेक्चर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन 2 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। वहाँ पे अपन ने 5 ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे। फर्स्ट अपन ने देखा था, अगर आपको एफ ओप एक्स का ग्राफ दे रखा है तो वहाँ पे अपन एफ ओप एक्स प्लस माइनस ए का ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो, अपन ने 5 ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन कौन से थे। एक अपन ने देखा था एफ ओप एक्स, इसको आपने ट्रांसफॉर्म किया था एफ ओप एक्स प्लस माइनस ए में। सेकेंड अपन ने देखा था एफ ओप एक्स को ट्रांसफॉर्म किया था एफ ओप एक्स प्लस माइनस बी में। थर्ड था एफ ओप एक्स को आपने रिप्लेस किया था माइनस एफ ओप एक्स से। एंड नेक्स्ट देखा था आपने एफ ओप एक्स को रिप्लेस किया था एफ ओप माइनस एक्स। और लास्ट अपन देखा था एफ ओप एक्स का आपको रिप्लेस किया था एफ ओप एक्स मोड ओप एक्स। ये आपने 5 ऑपरेशन देखे थे। हर एक ऑपरेशन के ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपके रह गए हैं, अपन पहले उसको डिस्कस करते हैं और इन सभी को अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। देखो, सिक्स्थ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या था आपका, एफ ओप एक्स इक्वस टू, या फिर एफ ओप एक्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स में। देखो, अगर आपको एफ ओप एक्स का ग्राफ दे रखा है और एफ ओ मोड ऑफ एक्स का ग्राफ आपने फाइंड आउट करना है, तो यहां से अगर देखो इसको अपन डिफाइन करते हैं, डिफाइन करेंगे तो आपके पास में एफ ऑफ मोड एक्स ये इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये दो इंटरवल में डिफाइन होगा। जब मोड की वैल्यू क्या होगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मोड को अपन पॉजिटिव साइन से ओपन कर देंगे, और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो उस वाले केस में अपन माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ बना देंगे एफ ओ माइनस एक्स का, या फिर इस वाले मोड को अपन नेगेटिव साइन से ओपन कर देते हैं। देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूं, क्योंकि एग्जांपल से समझेंगे तो ये वाली डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। जैसे मान लिया मैंने वाई इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स, ये क्या है, साइन ऑफ मोड एक्स। एक होता है मोड ऑफ साइन एक्स, देखो मोड ऑफ साइन एक्स, एक मैंने बना दिया मोड ऑफ साइन एक्स। ये तो किसका एग्जांपल था, जो अपन ने फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी देखी थी, फिफ्थ वाला ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, वो उसका एग्जांपल था। यहां पे आपने क्या किया है, फंक्शन की वैल्यू का मोड लिया है, मतलब नेगेटिव वैल्यू को आपने पॉजिटिव बना दिया। यहां पे आपने क्या किया, फंक्शन के अंदर जो आपने इनपुट डाला था उस इनपुट का आपने मोड लिया है। अरे, दोनों के अंदर डिफरेंस क्लियर आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बच्चे इसका ग्राफ इसमें बना देते हैं, इसका ग्राफ इसमें बना देते हैं, ठीक है। आपको मैथमेटिकली भी पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसका बेसिकली मीनिंग होता क्या है। अब देखो, मैं क्या करता हूं, जो आपकी डेफिनेशन थी उस डेफिनेशन का यूज करके पहले अपन इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ बना दिया, अब लास्ट के अंदर जो आपने ग्राफ बनाया वो ग्राफ एफ ऑफ एक्स में क्या ट्रांसफॉर्म आपने किया होगा, वो कैसे बना होगा, वो वाली चीज अपन यहां पर देखेंगे, ठीक है। अब देखो, यहां से अगर अपन बात करें y इक्वल टू साइन ऑफ मोड x, तो देखो ये आपका क्या बनेगा, इसको अगर मैं डिफाइन करता हूं तो x की वैल्यू या तो ग्रेटर देन इक्वल टू बनेगी या फिर लेस देन जीरो बनेगी। अगर मैं यहां पे x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेता हूं तो मोड कौन से साइन से ओपन होगा, पॉजिटिव साइन से, तो आपका ग्राफ क्या बन जाएगा, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बन जाएगा। एंड अगर यहां पे अपन x की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो उस वाले केस में कौन से साइन से ओपन करेंगे, नेगेटिव साइन से, तो y इक्वल टू आपका साइन ऑफ माइनस एक्स, या फिर इसको माइनस ऑफ साइन एक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस ऑफ साइन थीटा के इक्वल होता है, क्लियर है सभी को यहां से। अब देखो, अपन दो इंटरवल में y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना देते हैं, एक तो x कर देने इक्वल टू 0 के लिए और एक x लेस देन 0 के लिए। यहां से देखो, ये मैंने पॉजिटिव वाला इंटरवल ले लिया, ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया, तो यहां पे अपन ये बोल सकते हैं कि ये पूरा इंटरवल जो बनेगा x ग्रेटर देन 0 का हो गया, और ये इधर नेगेटिव x एक्सिस है तो ये नेगेटिव वाला इंटरवल बन गया। अब देखो, यहां से x ग्रेटर देन 0 के लिए आपने कौन सा ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू साइन x, ये आपका x ग्रेटर देन 0 हो गया, और इसके लिए अपन y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना देते हैं। देखो, अगर यहां से अपन y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाएंगे तो डायरेक्टली ये वाला ग्राफ बनता है, एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा जिसका टाइम पीरियड ऑलवेज 2 पाई बनता है। अब देखो, यहां से x लेस देन 0 के लिए आपने कौन सा ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब देखो, सोचो मैं क्या करता हूं, यहां से पहले साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं, ये साइन एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये आपने y इक्वल टू
एक्स से करते हैं इक्वल टू जीरो के लिए, वाई इक्वल टू साइन एक्स, मतलब जैसा ग्राफ था आपका वो वाला ग्राफ बना दिया। अब आपने क्या करना है, एक्स लेस देन जीरो के लिए वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, देखो इसको मैं हटा देता हूं, ये एक्स लेस देन जीरो के लिए ये किसका ग्राफ बन गया, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। ये एक्स लेस देन के लिए किसका ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का। लेकिन एक्स लेस देन जीरो के लिए तो आपने कौन सा ग्राफ बनाना है, वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। मतलब अपन क्या करेंगे, नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को नेगेटिव बना देंगे। देखो अगर मैं यहां से माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो वो वाला ग्राफ कैसा बनेगा, ये जो मैं डॉटेड ग्राफ बना दे रहा हूं ये किसका ग्राफ बन गया, ये y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन गया। अब देखो एक्स लेस देन जीरो के लिए अपन कौन सा वाला ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ बना देंगे। देखो जिसका जस्ट उल्टा ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ये तो ग्राफ आपने बनाया है y इक्वल टू साइन एक्स का और ये ग्राफ बनाया है y इक्वल टू माइनस साइन एक्स का। और अगर अपन इस कंप्लीट ग्राफ की बात करते हैं तो टोटल ये ग्राफ जो बनेगा इन दोनों को मिला के वो y इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बन जाएगा। देखो ये तो आपने क्या किया, इस फंक्शन को डिफाइन करके फिर इसका ग्राफ बनाया है, इस फंक्शन को आपने डिफाइन किया फिर उसका आपने ग्राफ बना दिया। अब देखो ये डायरेक्टली कैसे बना होगा, इस चीज को भी मैं यहां पे और समझा देता हूं, पहले इसको नोट करो। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये वाला ग्राफ जो है बिना डिफाइन किए अपन डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं। जो अपन ने ऑपरेशन लगाया था, जैसे एफ ऑफ एक्स को आपने माइनस एफ ऑफ एक्स वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था उसमें आपने डायरेक्टली याद रखा था कि जो नेगेटिव वाला ग्राफ था उसको आपने पॉजिटिव बना दिया, पॉजिटिव वाला जो ग्राफ था उसको नेगेटिव बना दिया। ऐसे फिफ्थ वाला ऑपरेशन था आपका वाई इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, उसमें आपने क्या किया, जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ था उसको आपने हटा के वैसा ही ग्राफ आपने क्या बना दिया, पॉजिटिव बना दिया, और जो पॉजिटिव वाला ग्राफ था वो तो वैसे के वैसे एज इट इज था। अब देखो यहां पे आपने डिफाइन करके फिर ग्राफ बनाया है, लेकिन अपन हर बार ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहां पे थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। देखो ये तो साइन एक्स था, ओनली एक ही फंक्शन था, मान लिया कि वहां पे दो फंक्शन आपको दे रखे होंगे या फिर कोई क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ दे रखा होगा तो डिफाइन करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो उस वाले केस में अपन क्या करते हैं, इसका डायरेक्टली ही मेथड याद रखते हैं, डायरेक्टली ऑपरेशन याद रखते हैं कि आपने एफ ऑफ एक्स में क्या अप्लाई किया होगा कि वो डायरेक्टली एफ ऑफ मोड एक्स बन गया होगा। देखो यहां से या आपने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, देखो उसी को मैं समझा दे रहा हूं, y इक्वल टू आपने साइन ऑफ मोड x इसका ग्राफ बना दिया, ग्राफ बना दिया आपने। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, y इक्वल टू देखो यहां पे आपने दो ऑपरेशन लगाए, कौन कौन से, पहले मैंने साइन x का ग्राफ बनाया फिर साइन x को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, मोड ऑफ साइन x से। या आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स को किससे चेंज किया, मोड ऑफ x से। तो फर्स्ट ऑपरेशन लगाया आपने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और इसमें x की जगह आपने क्या पुट कर दिया, मोड ऑफ x, ठीक है। ये आपने दो ऑपरेशन लगाने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना देता हूं, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। अब देखो यहां पे आपको ये पता तो लग गया कि y इक्वल टू साइन ऑफ मोड एक्स का जो ग्राफ बना था वो इस साइड से उल्टा, जस्ट जो राइट साइड में ग्राफ बना था उसका जस्ट उल्टा इस साइड बना था। तो आपने क्या करना है, डायरेक्टली याद रखना है कि जब अपन x के अंदर मोड लगाते हैं तो y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ था उस वाले ग्राफ को अपन रिमूव कर देंगे। जैसे टोटल का मोड ले रहे थे तो उस वाले केस में तो अपन क्या कर रहे थे, नीचे वाले ग्राफ को रिमूव करके उसी ग्राफ का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले रहे थे। इसमें अपन क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को रिमूव कर दे रहे हैं और उसी ग्राफ का उसके रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले दे रहे हैं। देखो इस वाले ग्राफ को मैं क्या करता हूं, पहले रिमूव कर देता हूं, रिमूव करके इसको मैंने रिमूव कर दिया और जैसा ग्राफ राइट हैंड साइड में बन रहा है वैसा ही ग्राफ अपन लेफ्ट हैंड साइड में बना देंगे, ठीक है। जो ये ओवरऑल ग्राफ बन रहा है, ओवरऑल जो ग्राफ बन रहा है, देखो इसको मैं अलग से बना देता हूं, दिस एंड दिस, ये वाला जो ग्राफ बन रहा है y इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बन गया, साइन ऑफ मोड एक्स का ग्राफ बन गया, ठीक है। तो क्या आपने ऑपरेशन लगाया, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ था उसको रिमूव करना है एंड
वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ था उसका वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेना है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, वहां से आपको और चीजें क्लियर होंगी। आप लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। देखो एक एग्जाम्पल और करते हैं अपन। अपने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड ऑफ एक्स प्लस टू। यह आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने x की जगह मॉड ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया होगा। देखो मैं मान लेता हूं कि एक कोई फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, और आपने यहां पे क्या किया, x की जगह मॉड ऑफ x रिप्लेस कर दिया, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री मॉड ऑफ x प्लस टू, ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, पहले f ऑफ x का ग्राफ बना लेते हैं। f ऑफ x का जो ग्राफ बनाया था उसमें अपन कौन सा ऑपरेशन लगा देंगे, x की जगह मॉड ऑफ x पुट कर देंगे। अब देखो जो अपन आपने ऑपरेशन लगाया उस ऑपरेशन को अपन ने यहां पे डायरेक्टली अप्लाई करना है। सबसे पहले y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका अगर अपन ग्राफ बनाएंगे तो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसके रूट क्या बन रहे हैं, वाई इक्वल्स टू एक तो बन रहा है एक्स माइनस वन और एक एक्स माइनस टू। इट मीन्स ये वाला जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस को टू पॉइंट के ऊपर कट करेगा और ये एक अपवर्ड ओपन पैराबोला बन जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे बना रहा है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ जो बनेगा वो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, वन और टू के ऊपर कट कर रहा है और ये यहां पर टू के ऊपर कट कर जाएगा। ये वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक, अब आपने क्या करना है, जो ऑपरेशन लगाया था उसमें उस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपका कैसा ग्राफ बनना चाहिए वो अपन यहां पे देखते हैं। देखो क्या अपन ने ऑपरेशन लगाया था, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है उसको रिमूव कर देना है। वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है उसको अपन रिमूव कर देंगे एंड राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ होगा उस ग्राफ का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेंगे। ये वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ था उसका मैंने क्या कर दिया, मिरर इमेज ले दिया। ठीक है, तो आपका फाइनली जो रिक्वायर्ड ग्राफ होगा वो कौन से वाला बनेगा, ये आपका y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री मॉड ऑफ एक्स प्लस टू का ग्राफ बन जाएगा। देखो इसका एक मेथड और है कि आप क्या करो, पहले इसको डिफाइन कर दो। एक बार मैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ले लेता हूं, उस वाले केस में क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू का ग्राफ बना देंगे और एक इंटरवल ले लेते हैं अपन x लेस देन जीरो, तो ये कौन से साइन से ओपन होगा, नेगेटिव से, तो ग्राफ आपका बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। तो दो इंटरवल में अपन क्या बना देते हैं, ये वाला ग्राफ। देखो ग्रेटर देन जीरो के लिए ये वाला ग्राफ बन जाएगा, लेस देन जीरो के लिए ये वाला ग्राफ बन जाएगा। क्लियर है सभी को? तो अपन वैसे ग्राफ न बना के अपन डायरेक्टली क्या बनाएंगे, ऑपरेशन से ग्राफ बनाएंगे, इसका ज्यादा आसान होगा। नोट करो इसको, नेक्स्ट सेवंथ ऑपरेशन अपन देखते हैं। सेवंथ ऑपरेशन है एफ ऑफ एक्स को आपने रिप्लेस करना है एफ ऑफ ए एक्स से। एफ ऑफ एक्स को आपने रिप्लेस करना है एफ ऑफ ए एक्स से। देखो आपने क्या किया, यहां पे इनपुट के अंदर चेंज किया है, इनपुट के अंदर आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है। तो देखो मल्टीप्लाई करने से आपका जो पॉइंट होता है वो डिवाइड हो जाता है। कैसे, जैसे मान लिया मैंने वाई इक्वल्स टू, एक तो अपन साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, एक अगर अपन को ग्राफ बनाना है वाई इक्वल्स टू साइन टू एक्स का। ठीक है, देखो अगर अपन बात करें यहां पे एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू, एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू के ऊपर वैल्यू क्या बन रही है, वन बन रही है, और अगर मैं यहां पे पाई बाई टू पुट करता हूं तो उस वाले केस में ये क्या बन जाएगा आपका, टू इंटू पाई बाई टू, ये वाली वैल्यू क्या बन गई, जीरो बन गई। अगर मेरे को इसको क्या बनाना है, इसको मेरे को
वन बनाना है तो ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, x की जगह पाई बाई फोर पुट करना पड़ेगा। x की जगह पाई बाई फोर पुट करेंगे तो साइन टू इंटू पाई बाई फोर क्या बन गया, साइन पाई बाई टू, वैल्यू क्या बन गई, वन बन गई। देखो आपने क्या किया, जब साइन x की अपन बात कर रहे थे तो यहां पे x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करने से, x इक्वल टू पाई बाई टू पुट करने से y की वैल्यू क्या बन रही है, वन बन रही है। और यहां पे अगर आपने x को टू से मल्टीप्लाई किया तो उस वाले केस में x को x की जगह पाई बाई फोर पुट करने से ये क्या बन रहा है, y इक्वल टू वन बन रहा है। देखो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, मतलब जब अपन x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, जब x की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या बन जाएगा, पहले से टू टाइम डिवाइड हो जाएगा। अरे बात क्लियर है, मतलब जब अपन sin x का ग्राफ बनाएंगे उन सभी पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के बाद में आपकी वही वाली वैल्यू बन रही है जो पहले वाले ग्राफ में बन रही थी। अरे बात क्लियर है। अब देखो अगर मैं y को जो sin x का ग्राफ बनाता हूं तो y इक्वल टू sin x का ग्राफ तो कैसे वाला बनेगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ बन गया। एंड इसी ग्राफ के अंदर अगर आपको y इक्वल टू sin 2x का ग्राफ बना रहे हैं तो आपने यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट्स, ये आपका जीरो बनेगा पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, आगे ऐसे आपके पॉइंट चलते रहेंगे, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, एंड ये माइनस का टू पाई बन जाएगा। ये जो आपका ग्राफ बना है वो वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बन गया। और अगर आपने वाई इक्वल टू साइन टू एक्स का ग्राफ बनाना है, मतलब है जो आपके पहले वाले पॉइंट थे उन पॉइंट को क्या कर देंगे, टू से डिवाइड। जो भी आपका पॉइंट था, देखो यहां पे टू से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो टू से डिवाइड करेंगे, अगर आपने साइन थ्री एक्स का ग्राफ बनाना है तो पहले वाले पॉइंट को अपन क्या कर देंगे, थ्री से डिवाइड कर देंगे। अगर इसी के अंदर मान लो आपको एक्स बाई टू का ग्राफ बनाना होता, एक्स बाई टू का मतलब डिवाइड कर दिया आपने, डिवाइड जब अपन करते हैं तो उसको अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ था, साइन टू एक्स का बनाएंगे तो जो भी आपके पहले वाले पॉइंट थे उन पॉइंट को आपने क्या कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है। जब अपन इसको 2 से डिवाइड करेंगे ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये वाला पॉइंट पाई बाय 2 बन गया, ये वाला पॉइंट 3 बाय बाय 4 बनेगा और ये वाला पॉइंट पाई बन जाएगा। ऐसे ही इस साइड वाले पॉइंट बनेंगे आपके, माइनस का पाई बाय 4, माइनस का पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 4 और ये माइनस का 2 पाई बाय 2 की अगर बात करें तो ये माइनस का आपका पाई बन जाएगा। अरे बात क्लियर है। आपने क्या किया, पहले sin x का ग्राफ बनाया, अगर x की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट से तो उन पॉइंट को अपन क्या कर देते हैं, डिवाइड। और ग्राफ की जो शेप होगी वो एज इट इज ऐसे की ऐसी रहेगी, ग्राफ की शेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली जो आपके पॉइंट होंगे वो पॉइंट टू टाइम डिवाइड हो जाएंगे। और अगर मैं यहीं पे sin 2x का ग्राफ बनाना चाहता हूं, देखो अगर मैं y इक्वल टू sin x बाई 2 का ग्राफ बनाना चाहता हूं तो उस वाले केस में अपन क्या करेंगे, मैं ओनली पॉजिटिव वाले पॉइंट ले रहा हूं, पहले अपन sin x का ग्राफ बना लेते हैं। ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बना दिया, पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं देखो, ये यहां पे जीरो बनेगा, ये पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, ये टू पाई बन जाएगा, ऐसे ही इधर माइनस का पाई बाई टू, माइनस पाई और माइनस थ्री पाई बाई टू, ये वाले पॉइंट आ गए। देखो आपने क्या किया है, डिवाइड किया है। जब अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे उस वाले केस में डिवाइड करना था, यहां पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे अपन क्या कर देंगे, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके ये वाले जो पॉइंट थे वो आपका क्या बन जाएगा, ये टू टाइम मल्टीप्लाई हो गया, ये भी टू टाइम मल्टीप्लाई होगा, ये भी टू टाइम मल्टीप्लाई हो गया, और हर एक पॉइंट को आपने क्या कर देना है, टू से मल्टीप्लाई कर देना है। बात क्लियर है सभी को, ठीक है, नोट करो इसको। इसको अपन ऑपरेशन 9 भी बोल सकते हैं, दोनों को एक साथ ही करा दिया मैंने। अगर यहाँ पे डिवाइड करने वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो एफ ओप एक्स रिप्लेस होगा किस में, एफ ओप एक्स बाई ए में रिप्लेस हो जाएगा, वो आपका ये वाला ऑपरेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप 9 भी बोल सकते हैं, ऑपरेशन नंबर 8। यहाँ पे आपने क्या किया, एफ ओप एक्स को रिप्लेस कर दिया एफ ओप एक्स बाई ए से। अगर ए से अपन डिवाइड करते हैं तो आपका पॉइंट मल्टीप्लाई होता है, एंड अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। नोट करो, नेक्स्ट ऑपरेशन अपन देखते हैं, 9th।
देखो ऑपरेशन नंबर 9 क्या है, एफ ऑफ एक्स को आपने रिप्लेस करना है ए इंटू एफ ऑफ एक्स से। जो भी आपकी फंक्शन की वैल्यू थी उस वैल्यू को आपने क्या कर दिया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब अपन वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अगर अपन बात करें कि साइन एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे अगर 1 थी, अगर उसी वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो उस वाले पॉइंट के ऊपर ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। मतलब आपका ग्राफ पहले 1 पे आ रहा था, अब की बार आपका ग्राफ कहां पे चला जाएगा, 2 के मतलब 2 के ऊपर, मतलब ग्राफ जो था आपका ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट नहीं होगा, वैल्यू जो थी वो शिफ्ट हो जाएगी। देखो कैसे, जैसे मान लिया मैंने ये वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला ग्राफ बन गया 0, यहां पे पाई बाय 2 बनेगा, ये पाई 3π/2, 2π 5π/2 एंड ये 3π बनेगा। ऐसे ही अपन नेगेटिव में बना देते हैं, माइनस का पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और ये माइनस का 2π बन जाएगा। देखो अगर आपने ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ साइन एक्स, मतलब आपने क्या किया इस फंक्शन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अगर अपन बात करें 0 के ऊपर 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, साइन एक्स की जगह आपने 0 पुट किया तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये आपका 0 ही बन जाएगा। ठीक है, और अगर अपन पाई बाय 2 की बात करते हैं तो y इक्वल टू 2 इंटू साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1 होगी, 2 इंटू 1, मतलब पाई बाय 2 के ऊपर वैल्यू 1 ना होकर अब की बार क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो ये आपका पॉइंट यहां पे 1 था और ये यहां पे 2 बन जाएगा। वापस देखो पाई के ऊपर तो 0 ही बन रही है एंड 3π/2 के ऊपर वापस क्या बन जाएगा, देखो ये नेगेटिव था तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, आपका ग्राफ जो होगा वो क्या बन जाएगा, थोड़ा ऊपर की साइड, वैल्यू जो थी वो ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगी, पहले 1 आ रही थी और अब की बार 2 पर चली जाएगी। ठीक है, वैसे ही पहले -1 नेगेटिव में आ रही थी तो -2 पे चली जाएगी, ये ऐसा ग्राफ आपका चलता रहेगा। क्लियर है सभी को, ये जो ग्राफ बनाया अपने y इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। ऐसे ही अगर मैंने इसको 1/2 से डिवाइड कर दिया होता, 1/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पहले 1 आ रही थी, अब की बार क्या हो जाएगा, 1/2, अगर 1/2 होगा तो ग्राफ है ऐसे थोड़ा क्या होगा, वैल्यू जो थी वो पहले से नीचे शिफ्ट होगी तो ग्राफ ये इसी के अंदर बन जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बस डिपेंड करेगा वैल्यू के ऊपर। अगर आपने यहाँ पर माइनस से और मल्टीप्लाई कर दिया तो अपन क्या करेंगे, 2 साइन एक्स पहले मल्टीप्लाई करें और नेगेटिव से अपन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव वाली वैल्यू को पॉजिटिव बना देते हैं और पॉजिटिव वाली वैल्यू को अपन नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है, चलो ये आपका ऑपरेशन नंबर 9 हो गया। लास्ट ऑपरेशन है वो अपन कर लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल्स करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो लास्ट ऑपरेशन है मॉड ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका ग्राफ आपने यहां पे बनाना है। देखो यहां पे क्या किया होगा, जब भी अपन मॉड का कोई भी एग्जांपल देखते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन अपन देखते हैं तो सबसे पहले अपन के दिमाग में ये आता है कि मॉड को अपन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा और मॉड जो होगा वो 2 इंटरवल में डिफाइन होता है। मोड के अंदर की वैल्यू को आपने एक बार ग्रेटर देन 0 किया, एक बार लेस देन 0 किया। देखो अगर अपन यहां पे 2 केस बनाते हैं, फर्स्ट वाला केस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब अपन y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे उस वाले केस में मोड को कौन से साइन से ओपन किया मैंने, पॉजिटिव साइन से ओपन किया, तो यहां से मैं पॉजिटिव साइन से ओपन कर देता हूं तो y इक्वल टू ये f ऑफ x का ग्राफ बन जाएगा। एंड यहां पे मैंने y लेस देन 0 लिया, नेगेटिव लिया, तो उस वाले केस में ये कौन से साइन से ओपन होगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये माइनस ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बन गया। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गई। देखो आपने 2 इंटरवल बना दिए, एक इंटरवल तो बना दिया y ग्रेटर देन 0 के लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एक इंटरवल लिया मैंने y लेस देन 0 के लिए y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। देखो इसको अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल से देखते हैं, मेरे को y इक्वल टू मोड ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स,
इसका मेरे को ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिफाइन करके फिर इसका अपन ग्राफ बना देंगे। पहले मैंने y गर्दन इक्वल टू जीरो लिया, तो देखो y इक्वल टू गर्दन इक्वल टू जीरो लेंगे तो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बन जाएगा। एंड सेकंड केस अगर अपन लेते हैं तो y लेस देन जीरो के लिए y इक्वल टू माइनस साइन x का ग्राफ बना दिया। ये आपके पास में दो इंटरवल आ गए, दोनों को एक साथ में यहां पे अपन प्लॉट कर देते हैं। देखो अपन यहां पे x का इंटरवल नहीं ले रहे, y का इंटरवल ले रहे हैं। y का इंटरवल का मतलब y गर्दन जीरो, ऊपर वाले इंटरवल में x एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ बनेगा वो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनेगा। एंड नेगेटिव वाले इंटरवल में y की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो उस वाले केस में कौन सा ग्राफ बनेगा, माइनस साइन x का ग्राफ बनेगा। देखो अपन क्या करते हैं, साइन x और माइनस साइन x, साइन x और माइनस साइन x का दोनों का ग्राफ एक साथ यहां पे प्लॉट कर देते हैं। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले साइन x के ग्राफ की, ये अपन 2π इंटरवल में ले लेते हैं। ये आपने साइन x का ग्राफ बना दिया। और अगर मैं माइनस साइन x का ग्राफ बनाऊंगा तो देखो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये मैं ऐसे डॉटेड ग्राफ बना देता हूं, ऐसा ही ग्राफ इधर नेगेटिव में बन जाएगा। देखो ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है ये y इक्वल टू माइनस साइन x का ग्राफ है, एंड जो ब्लैक वाला ग्राफ है वो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। आपने क्या करना है, पॉजिटिव वाले इंटरवल के लिए, पॉजिटिव वाले इंटरवल के लिए कौन सा, साइन x। ये पॉजिटिव वाला इंटरवल था, इसमें साइन x डार्क वाला बन रहा था, इट मीन्स अपन ब्लू वाले ग्राफ को हटा देंगे। इस ब्लू वाले ग्राफ को अपन हटा देते हैं। एंड जब अपन को y लेस देन जीरो का ग्राफ लेना है, y लेस देन जीरो का मतलब आपने कौन सा ग्राफ रखना है वहां पे, y इक्वल टू माइनस साइन x का। y इक्वल टू माइनस साइन x का मतलब आपको जो ब्लू वाला ग्राफ है उसी को रखना है और बाकी ग्राफ को हटा देना है। तो देखो नेगेटिव वाले केस में अपन क्या करते हैं, ब्लू वाले ग्राफ को रखना है और इस वाले ग्राफ को हटा देते हैं। इस वाले ग्राफ को मैंने हटा दिया, ठीक है। जो ओवरऑल ग्राफ आपका बनेगा वो किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू मोड ऑफ y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बन गया। अब देखो जो आपने ये तो मैंने क्या किया, मैथमेटिकली डिफाइन करके इंटरवल बना के फिर मैंने इसका ग्राफ बनाया। अब अपन ये देख लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन के अंदर अपन को डिफाइन नहीं करना पड़े, डिफाइन नहीं करना होगा तो उस वाले केस में अपन डायरेक्टली इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना देता हूं। यहां पे मैंने y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बना दिया, ठीक है। इस वाले केस में ये ग्राफ कैसे बना होगा, देखो ये वाला ग्राफ कैसे बना होगा, वही वाले डेफिनेशन अपन हर एक एग्जांपल के अंदर अप्लाई कर देंगे। अगर मेरे को ये वाला ग्राफ बनाना है, इट मींस जो आपका नेगेटिव y एक्सिस वाला ग्राफ था उस वाले ग्राफ को मैं रिमूव कर देता हूं। नेगेटिव y एक्सिस वाले ग्राफ को मैंने रिमूव कर दिया, देखो इस वाले ग्राफ को मैं रिमूव कर देता हूं। एंड जो पॉजिटिव वाला ग्राफ था उस ग्राफ का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेता हूं। देखो क्या किया मैंने, जो नेगेटिव वाला ग्राफ था उसको रिमूव कर दिया, एंड जो पॉजिटिव वाला ग्राफ है उसका उस y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, सॉरी x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेंगे। देखो इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज ये वाला बनेगा, इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज ये वाला बन जाएगा, एंड इस वाले ग्राफ का मिरर इमेज ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हो कि आपने क्या किया, ऑपरेशन क्या लगाया इसमें, जो y एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ है या फिर x एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है उसको अपन हटा देंगे और ऊपर वाले ग्राफ का x एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक है। ये आपका फाइनली ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये अपने ऑपरेशन कंप्लीट हुए और अब अपन इन ऑपरेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इनको नोट करो, कोई डाउट है पूछो।
चलो देखो कुछ ग्राफ जो है वो आपको डायरेक्टली याद ही रखने हैं, जैसे y इक्वस टू एक्स स्क्वायर का हो गया, y इक्वस टू वन बाई एक्स स्क्वायर हो गया, वन बाई एक्स हो गया, अब आपने ग्राफ ड्रॉ करने, फर्स्ट y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर आप कौन सा बनेगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला बन गया, ये तो अपन ने बहुत पहले देख लिया है, जिसका वर्टेक्स बनेगा 0,0। सेकेंड y इक्वल टू एक्स क्यूब, देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे अपन बनाएंगे, वही आपने क्या किया, बहुत सारे पॉइंट ले लिए, उन सभी पॉइंट्स को अपन डायरेक्टली क्या कर दें, कनेक्ट कर देंगे, तो वहां से आपका जो ग्राफ बनता है वो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक, अब देखो इस ग्राफ को अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक ओड फंक्शन बनता है, और ओड फंक्शन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं, जैसा ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा वैसा ही ग्राफ नीचे की साइड बन जाएगा। ठीक है, ये कोई बाउंडेड ग्राफ नहीं है, ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट दिखाने की जरूरत है नहीं, ग्राफ ऐसे नीचे की साइड जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, थर्ड आपने ग्राफ याद रखना है y इक्वल टू वन बाई एक्स, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स के ऊपर वैल्यू क्या बनेगी, देखो अगर अपन बात करें x टेंस टू जीरो प्लस, अगर अपन x टेंस टू जीरो प्लस की बात करते हैं, जीरो प्लस का मतलब क्या हुआ, होगी जीरो ही वैल्यू लेकिन वो प्लस वाली वैल्यू होगी। ठीक है, एक होता है जीरो माइनस, देखो जीरो प्लस और जीरो माइनस का मतलब क्या है कि यहां पर यह जीरो आ गया है, एग्जैक्टली जीरो था, अगर अपन जीरो प्लस की बात करेंगे तो जीरो के ऊपर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, और अगर अपन जीरो माइनस की बात करते हैं तो जीरो के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट की अपन बात करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन वैल्यू तो जीरो ही पुट करते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। तो देखो यहां से अगर अपन बात करें एक्स टेंस टू जीरो प्लस, जीरो प्लस का मतलब क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट, तो वाई टेंस टू क्या बन जाएगा, वन बाई जीरो प्लस, और ये टेंस टू क्या बनेगा, प्लस इन्फिनिटी बन जाएगा। अरे ये वाली बात क्लियर है, वन बाई जीरो, वन बाई जीरो की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, अगर मैं जीरो प्लस ले रहा हूं तो प्लस का इन्फिनिटी बन जाएगा, और अगर मैं यहां पे एक्स टेंस टू जीरो माइनस लेता हूं तो वाई टेंस टू क्या बनेगा, वन बाई जीरो माइनस, और वन बाई जीरो माइनस की वैल्यू क्या बन जाएगी, माइनस का इन्फिनिटी बन जाएगा। अब देखो अगर अपन इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं, ग्राफ को अगर प्लॉट करेंगे तो यहां से ये आपका जीरो बनेगा, अगर अपन जीरो प्लस की बात करते हैं राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा, वाई टेंस टू इन्फिनिटी, वाई टेंस टू मतलब इन्फिनिटी, ये यहां पे ऐसे यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, जीरो प्लस का मतलब जीरो से थोड़ा आगे जाएंगे तो ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, ऊपर की साइड, और ऊपर की साइड तो ये ग्राफ है यहां से स्टार्ट होगा। अरे बात क्लियर है, ठीक है, ये ग्राफ मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया। अब देखो x की वैल्यू कहां पे जा रही है, ये वाली x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, जब अपन x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी को अप्रोच करवाएंगे, देखो अगर अपन यहां पे x टेंस टू इंफिनिटी लेते हैं तो y टेंस टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो यहां से ये वाला ग्राफ बन गया। अब देखो अगर आपने x की वैल्यू नेगेटिव ली, नेगेटिव लेंगे तो y टेंस टू क्या बन जाएगा, 1 बाई जीरो माइनस, और 1 बाई जीरो माइनस मतलब माइनस का इन्फिनिटी, मतलब जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में अपन जाएंगे तो ग्राफ है नेगेटिव y में जाएगा, नेगेटिव y में जाएगा तो ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, और ऐसे अगर अपन x टेंस टू माइनस का इन्फिनिटी लेते हैं तो y टेंस टू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो यहां से ये वाला ग्राफ वापिस क्या बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन गया। ठीक है, तो y इक्वल टू वन बाई एक्स का ग्राफ कैसा बन रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, आयतीय अति परवलय बनता है, ठीक है, जिसकी एसिम्प्टोट्स बनती हैं, ठीक है, अनंत स्पर्शियां, जिसकी एसिम्प्टोट्स कौन कौन सी बनती हैं, एक तो y इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू जीरो, बात क्लियर है, ये नोट करो, ये आपने डायरेक्टली याद करना है। देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फोर्थ y इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर, देखो
अगर अपन यहां पे x की वैल्यू चाहे नेगेटिव ले चाहे पॉजिटिव ले, ये वाली वैल्यू तो क्या बनेगी, पॉजिटिव। देखो अगर अपन 0 माइनस की बात करते हैं, 0 माइनस का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 1/0 बन गया, 1/0 तो ये भी इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। एंड अगर मैं x 0 माइनस की बात करता हूं, अगर अपन 0 माइनस की बात करेंगे तो उसका होल स्क्वायर भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा, तो वो भी प्लस का इन्फिनिटी। मतलब दोनों ग्राफ जो होंगे वो इधर से स्टार्ट होंगे और फिर इन्फिनिटी के ऊपर तो दोनों ही जीरो, प्लस इन्फिनिटी के ऊपर भी ये जीरो बनेगा, ये आपका प्लस का इन्फिनिटी हो गया यहां पे जीरो, एंड माइनस इन्फिनिटी के ऊपर भी जीरो बनेगा, एंड एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर ये क्या बन रहा है, प्लस का इन्फिनिटी बन रहा है। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आपने y इक्वल टू 1/x² का ग्राफ बना दिया। ये जो ग्राफ है वो बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली डाल ही दे रखे होंगे, तो ये आपको डायरेक्टली याद भी रखना है। और ये ग्राफ कैसे बने है? ये मैंने आपको समझा दिया यहां पे, ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट अपन ग्राफ बनाते हैं यहां पे और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आपने ग्राफ बनाना है y इक्वस टू मॉड ऑफ इरेस टू पावर मॉड ऑफ x माइनस 2, इसका आपने ग्राफ बनाना है। देखो ये जो अपन ग्राफ बनाएंगे, इस ग्राफ को बनाने के लिए अपन को कौन कौन से ऑपरेशन यहां पे अप्लाई करने हैं, सभी वो वाले ऑपरेशन अपन पहले ड्रॉ करते हैं। पहले आपने क्या किया होगा, पहले e की पावर x का ग्राफ बनाया होगा, फिर आपने x को रिप्लेस कर दिया होगा, e की पावर x को रिप्लेस कर दिया होगा मोड ऑफ x से, देन जो भी आपका ऑपरेशन आया था उसमें आपने माइनस 2 कर दिया होगा, एंड इसको अपन ने टोटल का मोड ले लिया, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन आपको यहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले आपने क्या किया, e की पावर x का ग्राफ बना दिया, ये मैंने e की पावर x का ग्राफ बना दिया। इसके बाद में e की पावर मोड ऑफ x, देखो आपने क्या ऑपरेशन लगाया, एफ ऑफ x को रिप्लेस कर दिया f ऑफ मोड ऑफ x से, f ऑफ x को आपने रिप्लेस किया f ऑफ मोड x से, तभी तो ये y इक्वल टू e की पावर मोड x बना होगा, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ के लिए अपन ने डायरेक्टली क्या ऑपरेशन लगाया था, डायरेक्टली ऑपरेशन अपन ने ये लगाया था कि y एक्सिस के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ है उस वाले ग्राफ को अपन हटा देते हैं, एंड राइट हैंड साइड वाली ग्राफ का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेते हैं। देखो क्या किया था मैंने, जो भी आपका ग्राफ था वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्राफ को अपन ने हटा देना है, एंड राइट वाले ग्राफ का अपन मिरर इमेज ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो आपका ग्राफ बना है, दिस एंड दिस, इन दोनों को मिला के अपन कौन सा ग्राफ बोलेंगे, वाई इक्वल टू ई की पावर मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहां से आपने ग्राफ बना दिया दिस एंड दिस, ये वाला ग्राफ बना दिया आपने y इक्वल टू e की पावर मोड ऑफ x का। नेक्स्ट ऑपरेशन आपने लगाना है, जो y इक्वल टू e की पावर मोड ऑफ x का ग्राफ बना था उसमें से माइनस 2 करना है। माइनस 2 करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट तो आपका क्या रहा होगा, ये वाला पॉइंट 1 रहा होगा, माइनस 2 करेंगे तो पहले 0 आएगा, 1 यूनिट शिफ्ट हो गया, फिर माइनस का 1 आएगा, तो ये पॉइंट जो था आपका लोवेस्ट पॉइंट वो 1 पे ना रह के अब की बार कहां पे चला जाएगा, माइनस 1 के ऊपर चला जाएगा। तो देखो शिफ्टिंग के बाद में जो आपका ग्राफ होगा वो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये y इक्वल टू इरेस टू पावर मोड ऑफ x माइनस 2, इसका ग्राफ बना दिया। अब देखो आपने क्या कर दिया, जो ये वाला ग्राफ था इसमें मोड लगा दिया, अगर मोड लगाएंगे तो नेगेटिव वाले ग्राफ का अपन क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले देंगे और उस ग्राफ को अपन हटा देंगे। देखो अगर अपन यहां से टोटल का मोड लेते हैं, मोड लेने से ये वाला ग्राफ तो हट जाएगा एंड उसका मिरर इमेज लेंगे, तो देखो ये वाला ग्राफ आपका ऐसे वाला बन जाएगा, ये पॉइंट माइनस 1 के ऊपर कट कर रहा है, अगर इसका अपन मिरर इमेज लेते हैं तो ऊपर की साइड ये प्लस 1 के ऊपर कट कर जाएगा, ये पॉइंट आपका अल्फा और बीटा कुछ भी रहा होगा, ये मॉड ऑफ ई रेस टू पावर मोड ऑफ एक्स माइनस 2।
ये y इक्वल टू मॉड ऑफ e रेस्ट टू पावर मॉड ऑफ x माइनस टू का मोड आपने ये वाला ग्राफ बनाया। फोर ऑपरेशन यहां पे अपन ने लगाए, हर एक ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में मैंने ग्राफ बता दिया आपको, ठीक है। ये आप सब ऑपरेशन जो है वो एक साथ एक ही प्लेन के ऊपर लगा सकते हो, एक ही ग्राफ में लगा सकते हो, लेकिन मैं अलग अलग आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएं। आगे अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें अपन डायरेक्टली यही वाला ग्राफ बनाएंगे, ये बाकी बीच के स्टेप जो है वो इसको स्किप करेंगे अपन। नेक्स्ट आपने ग्राफ बनाना है, नेक्स्ट आपने ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ln ऑफ मॉड ऑफ x। देखो आपने क्या किया, कौन कौन से ऑपरेशन यहां पे लगाए, सबसे पहले मैंने ln ऑफ x का ग्राफ बना दिया होगा, देन मॉड ऑफ ln ऑफ x का ग्राफ बना दिया होगा, और फिर इसके अंदर मैंने x की जगह मॉड ऑफ एक्स पुट कर दिया होगा, ठीक है। ये आपका एफ ऑफ एक्स था, यहां पे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दिया, एंड फिर आपने एक्स की जगह मॉड ऑफ एक्स पुट कर दिया, ठीक है। देखो हर एक ऑपरेशन अपन यहां पे लगा देते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू ln ऑफ x का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, ln ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, नीचे से स्टार्ट होगा, तो ये अपन y इक्वल टू ln ऑफ x का ग्राफ बना देते हैं। देखो अगर यहां पे अगर अपन मोड लेते हैं एफ ओ पेक्स का, तो नेगेटिव वाला ग्राफ हट जाएगा, और इस ग्राफ का ऊपर की साइड अपन मिरर इमेज ले लेते हैं। ये वाला ग्राफ मैंने हटा दिया, एंड इसी ग्राफ का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लेंगे, ठीक। ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, ये डार्क वाला जो ग्राफ है, ये डार्क वाला जो ग्राफ है वो अब की बार किसका बन गया, मोड ऑफ ln ऑफ x, और इसके अंदर भी अपन ने क्या करना है, x की जगह मोड ऑफ x से रिप्लेस करना है। तो आपका जो ऑपरेशन नंबर 6 था वो अपन यहां पे अप्लाई कर देते हैं। देखो सबसे पहले मैं मोड ऑफ ये y इक्वल टू मोड ऑफ ln ऑफ x का ग्राफ बना दिया। इसमें आपने क्या किया है, x को रिप्लेस कर दिया मोड ऑफ x से, और जब अपन x को मोड ऑफ x से रिप्लेस करते हैं तो उसमें अपन क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाले ग्राफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ था उसको रिमूव कर देंगे, एंड राइट हैंड साइड में जो भी ग्राफ होगा उसका अपन मिरर इमेज ले लेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी ग्राफ नहीं आ रहा, अगर कोई भी ग्राफ नहीं आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, राइट वाले का मिरर इमेज ले लेंगे। अगर राइट वाले का मिरर इमेज लेंगे तो ग्राफ आपका ऐसे वाला बन जाएगा, ठीक है। इन दोनों ग्राफ को मिला के, इन दोनों ग्राफ को मिला के जो आपका ग्राफ बनेगा वो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ x, ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। अब देखो कैसे इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा आगे और एक्सटेंड कर देता हूं, एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ln of mod of x का होल मॉड इक्वल टू 2। ये आपको कोई इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। देखो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कितने पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ कौन कौन से, एक तो y इक्वल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड का होल मॉड इक्वल टू 2, ये वाला एक ग्राफ बन गया, एक y इक्वल टू 2 का ग्राफ बन गया। अपन क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग ग्राफ बना देते हैं और फिर चेक कर लेंगे कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। यहां से मैंने ln ऑफ मॉड ऑफ x का तो आपने ग्राफ बना दिया, देखो ये वाला बन जाएगा, और y इक्वल टू 2 का ग्राफ और बना देते हैं। y इक्वल टू 2 का ग्राफ कौन सा बनेगा, ये एक लाइन बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये मैंने ये देखो y इक्वल टू 2, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन बना दी। अब ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, देखो ये एक तो ये वाला पॉइंट हो गया, एक यहां पे कट करेगा 2, 3 एंड 4। अगर ये 4 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये वाले जो ग्राफ है वो आपको टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में भी बहुत काम आने वाले हैं। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
हर एक चैप्टर के अंदर इसका यूज होने वाला है। आगे एक दो क्वेश्चन और रह गया, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।